फिरोजाबाद की श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति नई गठित की गई, जिसे प्रशासन द्वारा आज गठित कर रणनीति तैयार की गई, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति का अध्यक्ष नगर मजिस्ट्रेट को बनाया गया। वहीं एसडीएम सदर को सचिव व वरिष्ठ कोषाध्यक्ष तहसीलदार सदर को बनाया गया है एवं जिला सूचना अधिकारी को मीडिया प्रभारी की कमान सौंपते हुए प्रशासनिक अधिकारी रामलीला समिति के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रामलीला की रणनीति करते नजर आई। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया जो नई कमेटी गठित की गई है उसमें अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा उसे जांच कर निकाला जाएगा। साथ ही बताया कि आगामी 22 सितंबर 2022 को पुरुषोत्तम भगवान राम की बारात बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन के चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। वहीं तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पूर्व सचिव आरपी सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जब जब नई गठित कमेटी की गई है तो एक प्रशासन द्वारा शर्त रखी गई है कि पूर्व समिति का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा नई कमेटी गठन में 6 सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें श्याम सिंह यादव, विजय कुमार कुशवाहा, नितेश अग्रवाल, अनूप झा, पंडित मुन्नालाल शास्त्री, राकेश अग्रवाल आखिर क्यों हुए शामिल। वहीं कल दिनांक 18 सितंबर को भगवान गणेश का डोला निकाला जाएगा रामलीला मैदान में। किस तरह भगवान गणेश का डोला निकाला जाएगा यह तो कल आने वाला समय ही बताएगा। किसी प्रशासन के अधिकारी ने सुधी नहीं ली। वह नितेश अग्रवाल कुछ वर्ष पहले समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे थे, जैसे ही सत्ता निकल गई सत्ता परिवर्तन लेकर भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं दूर दराज से आए हुए दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लगाने के लिए अयोध्या में तांता लगा रहे हैं। श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष नगर मजिस्ट्रेट सहित तमाम समिति के लोग मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता सहयोगी अमलेश राजपूत की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सर, फिरोजाबाद की रामलीला शुरू होने से कुछ दिन ही शेष है, ऐसे में एक प्रशासन रामलीला की संबंध तैयारी कैसे पूर्ण करेगा? जैसा कि आपको पता है, रिपोर्टर पिछली प्रशासन को मजबूती में आके रामलीला करवानी पड़ रही, क्योंकि ये परंपरागत और भव्य त्यौहार है जिसको हर साल होता है। इसीलिए डीएम साहब ने अध्यक्ष, नगर मजिस्ट्रेट, उपाध्यक्ष, सचिव जो है वो जिलाधिकारी सदर और कोषाध्यक्ष तहसील ऑफिसर को बनाया है, और 22 तारीख को राम बारात निकलेगी और सब कोटेशन ली जा रही है और सारी जो लेकर रजिस्टर फॉर्म में होगा ऐसे ऐसे बैंक को इसमें इन्वॉल्व किया गया। हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम कैश में हो, जिससे कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना रहे और यहाँ पर कोई गबन का बुनका ना हो। सर, क्या रामलीला आयोजन के समय प्रशासन में इतना समय होगा कि वो रामलीला हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बन सके? हाँ बिल्कुल, समय है, आज से हमने शुरू कर दिया, बल्कि कल से काम शुरू हो गया था और आज इसको हम लोग फाइनल कर रहे हैं। कमेटी बन चुकी है, 10 मेंबर हैं जो रामलीला कमेटी के और सब प्रांत लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनको अच्छा अनुभव है और उसको संपन्न कराएंगे। सर, कमेटी में कितने गठित लोग किए गए? 10 लोग गठित किए। सर, प्रशासन द्वारा आपको रामलीला का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि 11 समिति के सबसे आपके विगत दिनों से मीडिया में खबर एक चली थी कि कोई भी राजनीति का जुड़ा हुआ व्यक्ति कमेटी में नहीं होगा, फिर आपके द्वारा जारी की गई लिस्ट में कई राजनीतिक नेता भी हैं। नहीं, इसमें कोई राजनीतिक नेता नहीं है, अगर कोई होगा तो इस तरह का होगा जैसे कोई कहीं किसी पार्टी में कहीं गया होगा, वैसे कोई राजनीतिक पदाधिकारी नहीं है। डीएम साहब का यही था, कोई राजनीतिक पदाधिकारी नहीं है, लेकिन समाज से भी लोग हैं। सर, फिरोजाबाद की रामलीला कल से फिर शुरू होने जा रही है और रामलीला की जो कमेटी गठित की गई है वो किस रूप से की गई है? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद फिरोजाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों को और आम जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने रामलीला आयोजन का कार्यक्रम 22 अगस्त 2022 को प्रशासनिक अधिकारियों को, संपूर्ण संबंधित अधिकारियों को लगभग 16 जगह पत्र जारी करते हुए दे दिए गए थे, जिसमें मेला की पूरी रूपरेखा लिखते हुए उन्हें अवगत कराया गया था कि 18 सितंबर से मेला स्टार्ट होगी, 8 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भिन्न भिन्न दिनांकों में भिन्न भिन्न आयोजन किए जाएंगे। हर विभाग अपने स्तर से जो व्यवस्थाएं कराई जाती हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये सूचना मैं 22 अगस्त 2022 को ही दे चुका था, फिर भी नगर मजिस्ट्रेट महोदय से व्यक्तिगत रूप से जब जब मिला तब तब मैंने उनसे यही कहा कि मेरा कोई भी आयोजन कराए, हमने आयोजन होने की दिनांक से दिनांक समाप्ति की दिनांक तक सूचना सब जगह भेज दी गई है,
हर विभाग को अपनी अपनी व्यवस्थाएं कराना है, तो हर विभाग अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे ताकि मेला समय पे अच्छे ढंग से शुरुआत कराई जा सके। लेकिन आज दिनांक तक मेला मैदान में पानी भरा हुआ है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, रोडों की कोई व्यवस्था नहीं है, हर विभाग ने कोई भी मेला आयोजन के लिए सुनिश्चित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित नहीं की हैं, जिसका बड़ा दुख होता है। और दूसरी तरफ से कल शाम तक नगर मिस्त्री महोदय से हमने निवेदन किया था, क्योंकि 2 नवंबर 2020 को रामलीला आयोजन समिति की ओर से हमें माननीय उच्च न्यायालय से स्टे मिला हुआ था, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने 2022 और 2023 के चुनाव को रद्द करते हुए हमें कहा गया था कि आपका कमेटी 2019 में जो स्टैंड की हुई थी वही कमेटी मान्य है, 22-23 का चुनाव अमान्य है। तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से कहा था कि जो कमेटी हमारी 2019 वाली मान चली आ रही है तो मेरा आयोजन हम ही कराएंगे, लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के दबाव के कारण प्रशासन इतना दब गया तो उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि मेरा आयोजन कराने के लिए हम प्रशासनिक स्तर पर कमेटी का गठन करेंगे। वहाँ ये भी तय किया गया था नगर मजिस्ट्रेट महोदय से कल शाम तक तय किया गया था कि हमारी 2019 में जो संस्था के वार्षिक आजीवन सदस्य थे उनकी संख्या 471 थी, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि इन 471 में से किसी भी व्यक्ति को संस्था के रूप में संस्था के सदस्य को किसी भी रूप में प्रबंध समिति में शामिल न किया जाए, यदि आप इन सदस्यों में से किसी को। और आप देख रहे हैं एसकेएच न्यूज और मैं हूँ स्वराज सिंह फिरोजाबाद। जिस तरह से फिरोजाबाद में विश्व प्रसिद्ध रामलीला बनारस के बाद आती है तो फिरोजाबाद की, तो कोरोना के काल कई वर्ष नहीं हो पाई, आज हम रामलीला मैदान में खड़े हैं जहाँ के अध्यक्ष बनाया गया सिटी मजिस्ट्रेट को SGM तहसीलदार सभी हैं और प्रशासनिक इस बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रामलीला की जाएगी। मैं रामलीला परिसर में खड़ा हूँ, जिस तरह से एक बार कहूँगा कि मीडिया कैमरा पर्सन से एक बार दिखाएं कि मीडिया का इतनी जल्दी कमेटी कैसे ये कर पाएगी जबकि 22 तारीख को राम बारात निकलनी है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को पूछा गया तो CM साहब ने बताया कि जैसे कुछ समिति द्वारा बुला करके रामलीला को जल्द ही करा दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कमलेश राजपूत के साथ सोरा सिंह SKH न्यूज फिरोजाबाद।